राज्य में आयोजित किसान महापंचायत में कृषि नेता राकेश टिकैत ने कहा, जो सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही उन्हें बदल दी जाएगी। वह केंद्र सरकार का किसानों के बाद अगला टारगेट मीडिया हाउस है। शहीदे आजम भगत सिंह की 125वीं व शहीद शंकर नियोगी गुहा की 31वीं शहादत दिवस पर किसान महापंचायत का आयोजन राजिम कृषि मंडी में किया गया, जिसमें कृषि नेता राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव शामिल हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 40 से अधिक किसान संगठनों के लोग इस महापंचायत में शामिल हुए व 3 कृषि कानून के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है उन्हें बदल दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में MSP में बिक रही भारत सरकार इस पे कानून बना दे, लेकिन जो अधिकारी MSP थे और रहेंगे उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऑफिस में लेके जाएंगे। MSP में बिकवाने की जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। केंद्र सरकार का किसानों के बाद अगला टारगेट मीडिया हाउस है। ये है और नहीं रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है भाई जी? जो सरकार किसानों का काम नहीं करेगी, अगर वो सरकार है तो वह नहीं रहेगी। हमने किसी एक का नाम थोड़ा लिया है, या लिया एक का, अपने आप मत बढ़ाओ। हमारा समझ ये आया कि इनका फसल यहाँ पे बिखरी MSP पे, और स्टेट में नहीं बिखरी, कम बिखरी, और भारत सरकार इस पे कानून बना दे, लेकिन जो भी अधिकारी कर्मचारी ये सिफारिश करेगा कि कानून है थे और रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी है, उसी के ऑफिस में लेके जाएंगे, बिकवाने की भी जिम्मेदारी MSP की उसी अधिकारी की रहेगी। आए हैं, किस टाइप से उनका रिस्पांस मिला किसानों से, ये जानते हैं सर। सर, किस टाइप से रिस्पांस मिला आपको यहाँ पर? रिस्पांस तो आपने देखा होगा, जितनी बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से, कोने कोने से, छोटा किसान, आदिवासी किसान, बड़ा किसान, हर तरह का किसान यहाँ आया और जिस तरह से जुटा, उसने ये बात साबित कर दी कि अब इस आंदोलन को सिर्फ हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं कहा जा सकता, सिर्फ बड़े किसान का आंदोलन नहीं कहा जा सकता, हर तरह का किसान इस आंदोलन में शामिल है। ये बात आज साबित हो गई और मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, इन संगठनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बात स्थापित की है। सर, MSP यहाँ पर लोगों के, किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर भी मिल रहा है, इस पर आप जो 2500 रुपए यहाँ धान का मिल रहा है, ये केंद्र सरकार की MSP से ज़्यादा है, लेकिन किसान को जो मिलना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल यही मिलना चाहिए C2 के हिसाब से, और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि अभी सिर्फ 15 क्विंटल पे मिल रहा है, बाकी फसल उसको 1200-1300 में बेचनी पड़ रही है, तो बराबर हो जाता है कुल मिला के। किसान ये चाहता है कि उसको पूरा दाम मिले, 2500 धान का, 2300 गेहूं का, और पूरी फसल पर मिले, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर केंद्र सरकार अपनी जेब में हाथ डाले, और उसके लिए कानून बनवाना ज़रूरी होगा, और इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किसान इस संघर्ष में हिस्सेदार बन रहा है, और इस तरह से आज के इस महापंचायत ने पूरे देश के आंदोलन को एक कदम आगे किया है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे योगेंद्र यादव, जो किसान महापंचायत में शामिल हुए थे, और उनका साफ कहना है कि किसानों का जो समर्थन, जो उनके जो उचित मूल्य होना चाहिए, उस पर उनका जो है विरोध जारी है, और उनको उनका जो उचित मूल्य है वो मिलना चाहिए। कैमरा मैन मिथिलेश के साथ अनिल नेताम, INN24 न्यूज़, राजी।